है चोर, चोर पकड़ो पकड़ो इसे। भागो भागो तुम लोग यहाँ से, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। भागो भागो तुम लोग यहाँ से, जल्दी लोग यहाँ से, जल्दी जल्दी भागो, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अम्मा बस हुआ अभी, अब हमसे और ना हो पाएगा। तुम जबरन सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी हो, कभी हमारे बारे में भी तो सोचो। अभी पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाए, 27 के हो गए हैं लेकिन शादी के बारे में सोच तक नहीं सकते, बस पैसा छापने की मशीन बन के रह गए हैं। अम्मा मनीष बच्चा नहीं रहा अभी, उसकी उम्र में हम सारे घर का जिम्मेदारी उठा लिए थे, अब हमसे उस निकम्मे की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। पंकज बेटा, हम तुम्हारा तकलीफ समझ रहे हैं, पर तुम भी पुरानी बातों को भूलने का कोशिश करो बेटा। और हम कहां तुमको शादी के लिए मना कर रहे हैं, उसका कौन है? अम्मा ये सब ज्ञान तुम उस निकम्मे को काहे नहीं देती, हमें समझाती रहती हो। अम्मा बस फोन रखिए अभी, हम बाद में फोन करते हैं आपको। अब नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। भगवान ने इंसान एक ऐसा जीव बनाया है जो सोच सकता है, सही और गलत का अंदाजा लगाकर फैसला ले सकता है, पर भगवान के बनाए इसी इंसान के अगर इतिहास को देखा जाए तो उसके द्वारा लिए गए कई फैसलों के बारे में ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि वो गलत लिए गए थे या फिर सही। जाहिर सी बात है कि हम किस परिवार में किस परिवेश में जन्म लेते हैं ये फैसला हम नहीं ले सकते, लेकिन बाकी तमाम फैसले हम ले सकते हैं, और उनमें से कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिनका शायद सारी जिंदगी समझ पाना मुश्किल होता है कि वो सही थे या फिर गलत, और कई बार तो जिंदगी सोच विचार का मौका भी नहीं देती। फिर चाहे वो फैसला आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ हो और आपके परिवार ने लिया हो, क्या ये फैसले इस कदर गलत और खतरनाक रूप ले सकते हैं कि हमारे या हमारे किसी अपने के लिए मौत का कारण बन जाए? ए दीपू, आप कहां चल दिए? चुपचाप ट्यूशन निकलो नहीं तो हम तुमको लतिया देंगे। अंकिता को देखो, घंटों पहले ट्यूशन चली जाती है, एक तुम हो लाट साहब बने फिर रहे हो। हाँ तो अंकिता जाए तो जाए, हम नहीं जाएंगे चिरकुट के पास, पढ़ाता कम बकैती ज्यादा झाड़ता है। ई देखो नालायक का बस्ता भारी, तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि अगर दीपू ट्यूशन नहीं जाएगा ना तो हमको फोन करके बोलना। अरे अंकिता गई तो है, एक का पढ़ना काफी नहीं है का? अरे वो लड़की है, उसके पढ़ने से हम लोगों को क्या फायदा होगा? और तुम लड़के हो, तुम पढ़ लिख लोगे तो हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनोगे। अरे पढ़े लिख के भी तो बैठेंगे पापा के दुकाने पे, वो तो अभी बैठ रहे हैं, पढ़े लिख के कौन सा मील खुलवा देंगे हमारे लिए? काहे के लिए फिजूल में मेहनत करवा रही हो अम्मा, और चाहे कुछ भी कर लो पास वास तो हम होंगे नहीं। चुपचाप किताब उठाओ और ट्यूशन निकलो। किशोर किताब का देख रहे हो, ट्यूशन जाओ ना, लेट हो रहा है। कहाँ लेट हो रहा है, 4:30 ही तो बजे, निकल ही रहे थे। दीपू, अरे सर ने जो चैप्टर 4 का होमवर्क दिए थे कर लिए तुम? अबे कैसे करते, हमारे बुक में चैप्टर 4 तो है ही नहीं। Perpendicular square plus base square. वो लड़की का नंबर है क्या तुम्हारे पास? हमारे पास कहाँ, तू मांग लेना। नहीं ये देखो लंपट लोग बाहर ही मिल गए, कोई लड़की वड़की फंसा है या किताब हाथ में ले ली, बस चक्कर ही काट रहे हो। अरे कहाँ मनीष भैया, सब फालतू है यहाँ पे, जब देखो किताब में घुसी रहती हैं, घास भी नहीं डालती। वो नहीं, तुम दोनों फालतू, अरे एकदम यूजलेस थे। अरे एक लड़की नहीं फंसा जाता तुमसे, हट वरना हमारा मार्केट भी खराब कर दोगे।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? चल बाहर निकल। हजार बार बोला है तुमको ट्यूशन सेंटर पे मत आया करो, अगर ये बंद हो गया ना तो खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले जिंदगी झंड की हो हमारी, अब और क्या चाहते हो? अरे भैया जिंदगी में एक गलती क्या कर दी है, पूरा जिंदगी भर कोसोगेगा? अरे हमें भी यहाँ शौक नहीं आने का, काम था तो आए थे। काम और तुम्हें? हाँ नहीं हो सकता का? 2000 रुपये चाहिए, दे दो। इसको काम नहीं डिमांड कहते हैं, स्कूल जाते तो पता होता तुमको। फिर वही पढ़ाई वढ़ाई करो ना, मत रो, पैसे दो और जाने दो, वरना यहीं बच्चों के सामने धरना दे देंगे। 2000 नहीं है हमारे पास। हाँ सो बस, कैसा भाई हो यार तुम? अरे तुमको भाई के नाम शर्म आता है? इतना पढ़ लिख के भिखारी तुम? चुप करके निकलो यहाँ से। अभी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अगली बार नहीं करेंगे। सुना नहीं? तुम लोग बाग में टहलने निकले हो? हाँ क्लास में नहीं आओगे? आज बताते हैं तुमको आतिशबाजी किसको कहते हैं। अगर रॉकेट बना के नहीं उड़ाया ना तो कहना। सर रॉकेट बनाने से पहले जरा सोच लीजिएगा, कहीं रॉकेट के साथ साथ घर का खर्चा भी ना उड़ जाए। चली लालपरी बन के तुम्हारे दिल पर कब्जा करने? दिल तो पहले ही कब्जा लियो, आपका जान लोगी वो भी ले लेते। दीपू किशोर तुम दोनों को जो चैप्टर 4 का होमवर्क दिए थे वो निकालो। कैसे निकाले सर, जब किए ही नहीं है। काहे नहीं किए? हम किताब खोलकर देखे तो चैप्टर पर फटा हुआ था हमारी किताब में। अच्छा और तुम? सर हम किए थे पर हमारी अम्मा है ना, हमारी अम्मा ने हमारे नोटबुक से होमवर्क फाड़ कर उसमें रोटी बांधकर पापा को दे दी। अब हम क्या करते? ये चुटकुले सुनाना बंद करो और आगे आकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, चलो आ। अब ये तो ना इंसाफी है ना सर, अब होमवर्क आपकी मर्जी का था तो सजा तो हमारी मर्जी की होनी चाहिए। हम ना हम एक काम करते हैं, हम क्लास के बाहर चले जाते हैं। बेस्ट। चल हे रुको, चुप करके अपनी जगह पर बैठो, बहुत होगी तुम दोनों की बदतमीजी वरना आज ही तुम्हारे माँ बाप को बता देंगे। ये दोनों क्लास में आते नहीं है और आते हैं तो ऊपर से बदतमीजी करते हैं। बोल दो इसमें आप ही का नुकसान है, आज जेब से कम 700 रुपये तो निकले, अगली बार 7 रुपये भी नहीं निकलेंगे। दीपू माफी मांगो सर से, गुरु भगवान के समान होता है ना। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से हमको भी पढ़ना पड़ता है। हम तो चले, चल किशोर। बाय सर। अब ये खतरनाक खेल हमको बंद करना पड़ेगा, खुद जोखिम है इसमें। अरे मरे भोले बलम, वो मजा ही क्या जिसमें जोखिम ना हो। अच्छा और ये मजा किसी दिन सजा ना बन जाए? अरे दिन भर हमारी आंखों के सामने रहती हो तुम, काम धाम पे तो मन लगता नहीं हमारा। भैया को पैसे की जरूरत, कहाँ से ला के दे? हम तो अपना फोन तक रिचार्ज नहीं करा पाते। कल कितना दिल करा था तुमसे बात करने का, कहा करें। रुको जरा। अरे क्या कर रही हो तुम? हमें नहीं चाहिए अभी, इतना ही है, बाकी जुगाड़ बाद में करते हैं। अरे बात का है, काहे इतने गरम हो रहे हो तुम? गरम काहे नहीं हूं, 3 महीने हो गए तुम्हारे इस कामचोर भाई को यहाँ पे रहते हुए, अभी भी मेहमान बना पड़ा हुआ है। बर्तन देखो कैसा जूठा पड़ा हुआ है, और घर देखो कैसा एकदम अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है। ऐसे कुछ मतलब ही नहीं है, आज से ये या तो किराया देगा या तो घर से बाहर जाएगा। आधा किराया दे रहे हैं तुमको? आधा किराया का होता है, 3 आदमी रहता ना यहाँ पे तो किराया भी 3 आदमी बटेगा बस। अरे काहे चिल्ला रहे हो? अरे फुल वॉल्यूम में भी हमको कमेंट नहीं सुनाई दे रहा है। देख लो तेवर देखो लाड साहब के, आज बर्तन धोने का बारिश का था ना,
फिर भी बर्तन जूठा पड़ा हुआ है। हिंदी तो ठीक से आता नहीं है, अंग्रेजी में कमेंट्री सुन रहे हैं। चलो उठो उठो, नहीं तो लतिया देंगे। अम्मा अगर हमको तुम्हारा ध्यान रखने को बोली है तो तुम्हें भी यहाँ काम करने के लिए भेजी है, ऐसे बड़े बड़े बिस्तर तोड़ने को नहीं। पहले ही हमारी जिंदगी खराब की है तुम, ऊपर से तुम्हारा किराया भर रहे हैं, तुम्हारा पेट भर रहे हैं, अब साला जान लोगे क्या हमरी? देख लो कैसे अभी भी सोच की तरह बैठा हुआ है, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का साला। गाली किसको दिए बे? तुम्हारे बाप का खाते का हम? अरे बाप का बच्चा बोल रहा तू? अरे संदीप, अरे छोड़ो उसको, बना अरे नहीं, इसका जबान बहुत चल रहा। अरे अरे संदीप शांत, हेलो पंकज बेटा कैसे हो, खाना खाए? खाना मार खाए हैं तुम्हारे सलाड साहब के चक्कर में। अम्मा तुम अभी फोन रखो, हम इसको इंसाफ दिलाते हैं। साला कैसा बड़ा भाई हो तुम, ये तुम्हारा रूममेट तुम्हारे सामने हमको पीट रहा है और तुम हमारी चुगली कर रहे हो? अरे तू ऐसे बड़ा भाई पे, अबे तुम हम पे ठोक रहे हो, हम पे ठोक रहे हो तुम? साला औकात देखा है अपना, साला हमारा जिंदगी बर्बाद की है। और मत भूलो तुम्हारे खाने से लेके तुम्हारी चड्डी तक का खर्चा हम उठा रहे हैं और हम पे ठुकोगे तुम? तुम तीनों अभी का अभी अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, रूम खाली चाहिए अभी के अभी। पर पांडे सर हुआ कहा है? हुआ कहा है ये हमसे पूछ रहे हो? ये साला रोज रोज का तुम्हारा झगड़ा परेशान करके रख दिया हमें, और आज विंडो का कांच तोड़ दिए, 15 मिनट का टाइम दे रहे हो तुम्हें। ए जी सुनते हो क्या है? सुनो ना जरा। हाँ बोलो। घर खाली रहेगा, दूसरे किराएदार आने में टाइम लगेगा, पैसों का नुकसान तो हमारा ही होगा ना, रहने दो ना उन्हें। चुप रहो, शिकायत में नफा नुकसान, जाओ नीचे। 5 मिनट हो गया है, 10 मिनट में चाबी हाथ में चाहिए, 1 मिनट भी ऊपर नहीं, समझे? पापा आप जो सर को घर से निकाले हो, इस बात का बदला वो हमसे ट्यूशन में लेगा, हम जाएंगे नहीं इसके ट्यूशन में पढ़ने। चुप रहो, ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, जाओ अंदर। साहब साहब हमारा बड़ा भाई पंकज 2 दिन हुआ साहब गायब है। बैठो, क्या हुआ? सब उसका फोन भी बंद आ रहा है, हम सब जगह खोजे वो कहीं नहीं मिल रहा, अम्मा को भी फोन किए बलिया वहां भी नहीं गया साहब, साहब 2 दिन हो गया पता नहीं कहाँ गायब है, और घर से सामान लेकर भी नहीं निकला। सामान लेकर नहीं निकला मतलब? तुमको बताया नहीं कहाँ जा रहा है? बताया तो नहीं साहब, अगर वो बताता तो हम उसको खोजते ना। काम क्या करता है तुम्हारा भाई? वो ट्यूशन क्लास चलाता है और खुद भी पढ़ रहा है, कोरेस्पोंडेंस MSc कर रहा साहब। और तुमने उसे आखिरी बार कब देखा? सब 2 दिन पहले जब वो घर से कहीं जा रहा था तैयार होके। आज तो दुखी आत्मा बड़ी खुश है, कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में, चलोगे? तो तुम दोनों भाई साथ रहते हो? जी साहब, हमसे अलग एक रूममेट भी रखे हैं भैया। वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ कंप्लेंट लिखवाने? साहब वो शहर से बाहर गया, वो होता तो भी नहीं आता साहब, हम फोन किए तो उसको बोले भैया गायब है, तो बोला तुम्हारे भैया हमें काहे परेशान कर रहे हो? क्यों, ऐसा क्यों कहा उसने? साहब वो सुरेश थोड़ा ऐसे आदमी, 24 घंटे खोपड़ी गर्म रहता है उसका, वो भैया से भी उसका ताना तानी चलता रहता है, पता नहीं किस बात से भैया से वो खुन्नस खाए रहता है। पंकज और सुरेश के बीच में ताना तानी किस बात को लेकर थी? ताना तानी का तो मालूम नहीं साहब, पर सुरेश भैया पे खूब किलपता था, जैसे भैया उसको जमीन छीन ली हो। पंकज की फोटो और बाकी डिटेल्स दे दो, अगर उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे। और ये जो सुरेश है, जैसे ही वापिस आए उसे यहाँ पुलिस स्टेशन आने को कहो। जी साहब, साहब भैया को जल्दी ढूंढिएगा। अजीब बात है सर, इसका भाई गायब हुआ है लेकिन परेशान या दुखी होने की बजाय ये घबराया हुआ ज्यादा दिख रहा है। देखते हैं इसकी घबराहट का क्या रीजन है, लेकिन सबसे पहले पंकज की डिटेल्स सभी पुलिस स्टेशन में शेयर करो, हॉस्पिटल भी चेक करना कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, और पंकज के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ, फोन ट्रैक करो उसका।
हाँ अम्मा, अरे अम्मा हम गए थे पुलिस स्टेशन। अम्मा जरा एक मिनट रुकोगी? ए सुरेश कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रहा वो हमारा? पता नहीं कहाँ है। तुमको कुछ पता वाता भी रहता है? दिन भर बैठे बैठे घूमते रहते हो यहाँ। पंकज मिश्रा एक छोटे शहर का साधारण सा लड़का मैथ्स की ट्यूशन चलाकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। यह साधारण सा दिखने वाला लड़का अचानक एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश में हर जगह हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से पंकज की कोई खबर नहीं मिलती। पुलिस पंकज मिश्रा का फोन ट्रैक कर रही थी, लेकिन गायब होने के बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पर दो दिन बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। भैया सुनिएगा, ये फोन बेचने का है और थोड़ा सा जल्दी कर दीजिएगा, हमें निकलना है। सर, पंकज के फोन के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। उसका फोन थोड़ी देर पहले स्विच ऑन हुआ था, किसी ट्रक के क्लीनर ने उसे बेचने की कोशिश की थी। उस क्लीनर को पकड़ लिया गया है और उसे यहाँ क्वेश्चनिंग के लिए लाया जा रहा है। चल बोल भाई, क्या मजबूरी थी, क्यों बेच रहा था फोन? सर वो हमको, क्योंकि वो फोन तेरा नहीं था, पंकज मिश्रा का था और हम उसके फोन का IMEI नंबर ट्रैक कर रहे थे। अब ये बता, फोन मिला कहाँ से? सब हम तो माल दे के आ रहे थे साहब, सब हम ट्रक के पीछे सोए हुए थे, हमें पेशाब लगा तो हम उस्ताद को बोले गाड़ी रोकने के लिए। जब हल्के होके निकले तो ये फोन ट्रक के पीछे भरा हुआ था। कहाँ रोका था ट्रक? साहब उस्ताद ने गाड़ी यहाँ रोकी थी और मैं पेशाब करने उधर गया था। इसका मतलब है टेम्पो में फोन इस तरफ से फेंका गया होगा, क्योंकि अगर कोई उस तरफ से आता तो ये उसे देख लेता। ये पूरा एरिया चेक करो, अगर ये सच बोल रहा है तो यहाँ कुछ मिलना चाहिए। आंखें निकाली गई हैं सर और बॉडी काफी सड़ चुकी है, पंकज ही लग रहा है। भैया ये तो मेरा पंकज भैया है। अम्मा अम्मा, भैया को किसी ने मार दिया। इसका मर्डर बहुत बेरहमी से किया गया है। एक आदमी ने इसके पैर पकड़े हैं और दूसरे ने छाती में चढ़कर से गला काट दिया। आप बता सकते हैं इसका मर्डर कब हुआ होगा? 4-5 दिन पहले। और हाँ, इसकी आंखें मरने के बाद नहीं, जब ये जिंदा था तब निकाली गई हैं और उसके बाद इसका गला काटा गया है। मतलब कि मर्डरर इसे मारना नहीं बल्कि तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। निकला है बिल से बाहर, मार दी हमारे भैया को, ऐसा मारा कि उसकी आंख तक बाहर निकल आए। क्या कहते हैं? ज्यादा बौरा मत समझे, हमारे पर मत डालो, हम यहाँ पर थे ही नहीं। छोड़ जाओ अपने आप। अजीब इत्तेफाक है ना, इसका रूममेट पंकज गायब हुआ और तभी ये शहर में नहीं था। सर इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है सर। ये चोट कैसे लगी? वो सर मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो ठोक दिए थे गलती से किसी को, तो सब मिलके कूट दिए हमको। कमाल है, एक और इत्तेफाक। काम क्या करते हो? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, फिल्म दिखाते हैं लोगों को। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पंकज को कैसे जानते हो? सर हमको किराए पर रूम चाहिए था तो ब्रोकर मिलवाया था हमको, तो ब्रोकर बोला कि साथ में मिलके रूम ले लो, उसके बाद सब ठीक चल रहा था सर। फिर ये आ गया रहने के लिए, इसके चक्कर में हमारा पंकज से लगभग रोजे लड़ाई होता था, पर एक बार तो मकान मालिक आधा रात को हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया। जब अकेले थे तो ठीक था, आधी रात में सड़क पर ला दिए हो तुम। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं तुमसे, प्यार से निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार मार के तुम्हें निकाल देंगे। और तुम क्या थूकोगे बे हम पे? अरे हम थूकते हैं तुम जैसे भाई पे। थू जाओ यहाँ से।
और तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी कहानी पे विश्वास कर लें। तुम्हारी पंकज से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम कुछ छुपा नहीं रहे हो, तुम्हारा शहर से बाहर होना, ये चोट वोट लगना सब सच है ना? हाँ सर, हम सब सच बोल रहे हैं सर। सरे सुरेश झूठ बोल रहा है, पंकज उसका रूममेट था, उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया, जीते जी उसकी आंखें निकाली गई, और ये सब पता होने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई अफसोस तक नहीं दिखा। सर, सुरेश ने पंकज को मारा है, और सुरेश के चोटों के निशान किसी बाइक के एक्सीडेंट की वजह से नहीं है। मर्डर करते वक्त पंकज ने जो खुद को बचाने की कोशिश की होगी, ये चोटें उसे तब लगी होंगी। लेकिन सौरभ, ये भी याद रखो कि अगर सुरेश ने पंकज के साथ कोई दुश्मनी पाल भी रखी थी तो भी ये काम किसी एक आदमी का नहीं है। ऐसा क्या हुआ होगा सुरेश की लाइफ में जो पंकज को पता चल गया? और अगर अफसोस की बात करें तो अपने सगे भाई की बॉडी को इस हालत में देखकर मनीष की आंख से एक आंसू तक नहीं टपका, और आज सुरेश को देखकर इमोशन और गुस्सा दोनों आ गए, यहां तक कि उसने सुरेश का गिरेबान पकड़ लिया। सर, हो सकता है ये इमोशन, ये गुस्सा हमें दिखाने के लिए हो। करेक्ट, अब तुम सही जा रहे हो। मनीष और सुरेश, इन दोनों की कुंडली निकालो। सर, पंकज के कॉल रिकॉर्ड से तो कुछ खास मिला नहीं। फैमिली के अलावा उसे ज्यादातर कॉल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के आए, और हाँ, उसे लास्ट कॉल मुन्ना चौधरी के फोन से किया गया था, जिसके बच्चे पंकज के ट्यूशन में पढ़ते हैं। हमें एक बार पंकज की ट्यूशन क्लासेस में पढ़ने वाले सभी बच्चों से बात करनी चाहिए। सौरभ, पायल, हमें पंकज के पुराने मकान मालिक से भी एक बार बात करनी होगी। ये पता लगाना होगा कि ऐसा क्या हुआ था जो रातों रात उसने इन्हें घर से निकाल दिया। अरे निकालते नहीं तो क्या करते, रोज रोज घर में लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़। उस दिन तो खिड़की का कांच तोड़ दिए, इतना परेशान किए कि किशोर के बाबा ने सुरेश से अपना बिजनेस बंद कर दिया। कान पकड़ लिए उसके बाद कि आज के बाद किसी बैचलर को अपना घर किराए पे नहीं देंगे। हाँ सर, ये नंबर तो हमारे नाम पर ही है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, हमारा बेटा दीपू इस्तेमाल करता है। हाँ सर, हम फोन किए थे पंकज सर को ये जानने के लिए कि ट्यूशन का फीस कब जमा करना है। दीपू और किशोर पंकज सर को बहुत परेशान करते थे, रोज उनके चिल्लाने के गुस्सा होने के बाद भी उनकी क्लास छोड़ के चले जाते थे। तो दोनों उल्टा सर को ही धमकी देते थे कि बता दीजिए आपकी आमदनी कम होगी। वो लोग इस बात का खूब फायदा उठाते थे कि सर को पैसे का जरूरत था ना। हाँ साहब, हम सुरेश के धंधे में पैसे लगाए थे, हमको तो लगता है कि पंकज भी धंधे में उसका पार्टनर था। एक दिन वो दोनों किराया देने आए थे, तब सुरेश ने हमको डील ऑफर किया था। अरे बहुत ही बढ़िया ऑफर दे रहे हैं आपको पांडे जी, इतना प्रॉफिट होगा कि किराया तो आपको चिल्लर लगेगा, छोटी लागत ज्यादा मुनाफा, बाकी तो आप पूरे गांव में फेमस हैं। प्रणाम सर। प्रणाम किशोर, होमवर्क कर लिए तुम? जी, वो तो ट्यूशन से आते ही कर लिए थे, अभी तो आगे की पढ़ाई कर रहे थे। टेस्ट रखेंगे अगले हफ्ते। रख लीजिए, हमें कौन सी देनी है? देखो, रिस्क लेने से हम डरते नहीं हैं, लेकिन पता तो चले कि धंधा का है। धंधा अंधा छोड़िए ना, आप बस नोट गिनने का तैयारी कीजिए। क्या है ना पांडे जी, कि जब लक्ष्मी जी सामने से आती है तो ज़्यादा पूछताछ नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। इतना बोल रहे हो तो चलो, तुम्हारा भरोसा करके कुछ पैसा लगा देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सुरेश ने बढ़िया मुनाफा कमा कर दिया, हमने तो अपने दोस्त मुन्ना चौधरी के पैसे भी इन्वेस्ट करवा दिए। फिर मुन्ना की बिटिया अंकिता से पता चला कि सुरेश का धंधा कहाँ है। बाबा, दीपू और किशोर खुद को बर्बाद कर रहे हैं, वो जो सुरेश है ना, वो इनके उम्र के बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है। ये ट्यूशन छोड़ के उसके यहाँ गंदे बिचड़े देखने जाते हैं। और सुरेश, कुछ नया वाला लाए हो मार्केट में, या फिर वही पुराने वाले से खेल रहे हो? बेटा, आज खेल भी नया है और पैसा भी, मालो लाए हो कि नहीं। छुट्टे रखो सुरेश भैया, मजे करो। पढ़ाई लिखाई पे तो तुम्हारा दिमाग लगता नहीं, फालतू चीज में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। फालतू चीज में चलो चलो। जब हमें पता चला कि सुरेश हमारे ही पैसे से हमारे बच्चे का जीवन बर्बाद करने का धंधा कर रहा है, तो हमने बिजनेस से हाथ खींच लिए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बैठ बैठ बैठ, इंटरवल होने वाला है। लड़का लोग के स्कूल के बाहर ब्लू फिल्म पार्लर चलाते हैं। पंकज को तेरे इस बिजनेस के बारे में पता था? सर, अब कुछ नहीं किया सर, हम सच कह रहे हैं सर। जो पूछा है उसका जवाब दे, पंकज को तेरे इस बिजनेस के बारे में पता था? हाँ सर, पता था। पैसे का जरूरत तो तुमको है,
और हम जो बिजनेस बता रहे हैं ना तुमको, उसमें कम लागत है और बढ़िया मुनाफा है, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा पैसा मिलाओ और नोट छापो, और उसके बाद वो जो तुम्हारा कामचोर भाई है उसका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और अपना जिंदगी अपना मर्जी से जियोगे तुम। तूने उसे डील समझाई और उसने तुझे धमकी दी कि तेरे अवैध धंधे के बारे में पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। हम जानते हैं सुरेश, पिछले 12 साल में 12 धंधे कर चुका है, सब में लॉस हुआ है तुझे। यह अकेला बिजनेस था जिसमें तुझे फायदा हुआ, जो पंकज की वजह से खतरे में था, इसलिए तूने पंकज का मर्डर किया और उसे सबक सिखाने के लिए जीते जी उसकी आंखें निकाली। और हमें पता है ये काम तूने अकेले नहीं किया, कोई शामिल था तेरे साथ। बोल कौन था वो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। कौन था, क्यों कह दिया था वो हमको? सौरभ, पंकज को पैसों की जरूरत तो थी, हो सकता उसने इन्वेस्ट किया हो और बाद में बिजनेस की किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया हो। पंकज की बैंक डिटेल्स चेक करो, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो सामने आ जाएगा, और हो सकता है उससे पंकज के मर्डर का सच भी सामने आ जाए। तुम दोनों ने सुरेश के बिजनेस में पैसा लगाया था? बताए तो थे, जब हमें पता चला कि सुरेश का धंधा कर रहा है तो हम धंधे साथ खींच लिए थे। सर, अंकिता से जब हमको पता चला कि मुनाफे के लालच में सुरेश जो हमारे बच्चों के साथ उनका जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है, तो हम दोनों ने उसके धंधे से अपना पैसा वापस ले लिया। अच्छा मुनाफा कमाया तुम दोनों ने, लेकिन जब ये बात पंकज को पता चल गई तो वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया, इसलिए तुम दोनों ने सुरेश के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। पर पंकज ऐसा क्या जानता था, क्या देखा उसने जो तुम लोगों ने उसकी आंखें निकाल ली, वो भी उसके जिंदा रहते? नहीं साहब, हम ऐसा कुछ नहीं किए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि ये लोग अपने लिए कोई खास फिल्म बना रहे हो, और वो खास फिल्म बनाते हुए पंकज ने देख लिया और इसीलिए इन लोगों ने पंकज की आंखें निकलवा ली। कहाँ चल रहा है, पुलिस वाले होंगे आप, हम भी कोई फालतू आदमी नहीं है। देखिए सर, बिना वजह हम लोग को उलझाइए मत, नहीं तो जो आपका वर्दी है ना वो खतरे में पड़ जाएगा। तो भी ठीक, अब जब वर्दी खतरे में पड़ ही जाएगा तो क्यों ना तुम लोगों को सबक ही सिखा दे। सर, हो सकता है आधी रात को घर से निकालने का प्लान इन तीनों ने मिलकर बनाया हो, ताकि सारा का सारा शक मनीष पर आए कि उसी ने पंकज का मर्डर किया है, वरना उसे उसी रात क्यों निकाला? क्योंकि पांडे की बीवी ने तो बताया था कि झगड़े तो आए दिन होते थे। पॉसिबल है, पर फिर भी मुझे लगता है कि हमें मनीष पर भी नजर रखनी चाहिए, और ऐसा पहली बार नहीं होगा कि एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर किया। हमने पहले भी जमीन, लड़कियां, किसी और मामले में ऐसे केसेस देखे हैं, और वो कौन होगा जिसने पंकज को इतनी बेरहमी से मारने में मनीष का साथ दिया होगा? सर, हो सकता है बच्चों ने उसका साथ दिया हो, पढ़ाई या पंकज की धमकियों से बचने के लिए मर्डर कर दिया हो उसका। जहां एक तरफ पंकज के घर वाले पंकज की मौत का शोक मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पंकज के कत्ल के संदिग्ध सुरेश झा, दीपक पांडे और मुन्ना चौधरी बेल पर पुलिस की रिमांड से बाहर आए। पुलिस के पास पंकज मिश्रा के कत्ल के मकसद और संदिग्धों की एक लंबी लिस्ट थी। पंकज का भाई मनीष मिश्रा अहम संदिग्ध था, उसके अलावा सुरेश झा, दीपू चौधरी, किशोर पांडे, दीपक पांडे और मुन्ना चौधरी सभी शक के दायरे में थे, पर बावजूद इसके पुलिस के पास इनमें से किसी के भी खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। साधारण से दिखने वाले इन मध्यम वर्गीय संदिग्धों ने पुलिस के लिए एक चक्रव्यूह रच दिया था, जिसे भेद पाना पुलिस के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। अम्मा, हम पक्का तो नहीं कह सकते, पर हमें लगता है हमें समझ आ रहा है पंकज सर के साथ क्या हुआ होगा। क्या बोल रहे हो तुम, हमको जरा समझा। सब बताएंगे, बस एक बार हम पक्का कर ले कि हम जो सोच रहे हो वो सही है या नहीं। हम आते। अरे किशोर, जा कहाँ रहे हो तो बता। हम आते हैं, रात के खाने तक लौटाएंगे। सब इतना बोल के किशोर जो घर से निकला लौटा ही नहीं, बोल रहा था पंकज सर के बारे में कुछ जानता है।
हमें बहुत डर लग रहा है साहब, पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, हमारे बच्चे को ढूंढने का लिए साहब। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। साहब हमारे बच्चे को ढूंढने का लिए, पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ होगा। ये केस तो सॉल्व होने की बजाय उल्टा उलझता जा रहा है। पहले पंकज गायब होता है, उसका मर्डर होता है, फिर किशोर गायब होता है जिसके पास पंकज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी और जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो पंकज के मर्डर में इन्वॉल्व हो सकता है। सर मैंने इंक्वायरी की है, ये बात सच है कि किशोर और दीपू पंकज को परेशान करते थे, क्लास बंक करते थे, उसे धमकी देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात की वजह से वो उसका मर्डर कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें पंकज की ट्यूशन क्लासेस के बच्चों से एक बार फिर बात करनी चाहिए। हो सकता है किशोर जो बात अपनी माँ को बताने वाला था वो ट्यूशन क्लासेस के किसी बच्चे को बताई हो। पंकज सर के लिए तो किशोर ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि वो अंकिता को बहुत पसंद करता है। खाली अंकिता को क्या मैडम, वो तो हम पे भी बहुत लाइन मारता है। देख तुम्हारी भाभी। कौन कहेगा, ये स्कूल के बच्चे आज फिर बैठे हैं हमें ताकने। कॉलेज से आते आते लेट काहे हो गया? तुम ज्यादा उड़ो मत, अपने काम से काम रखो। अरे तुमको निहारना ही तो काम है हमारा, ट्यूशन भी हम तुम्हें देखने ही तो आते हैं। पर उस वाला चिरकुट है ना, वो चिल्लाता बहुत है, इसलिए हम आइडिया लगाए कि अब से हम तुम्हारे कॉलेज के बाहर आएंगे तुम्हें देखने के लिए। हमारे छोटे भाई के दोस्त ना होते ना तो ऐसा थप्पड़ मारते ना कि यहीं फफल जाते। किशोर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ एकदम जिगरी। फिर तो तुम्हारे जिगरी ने तुम्हें ये भी जरूर बताया होगा कि वो तुम्हारे पंकज सर के बारे में क्या जानता है। कुछ बताया तो नहीं, पर जिस दिन गायब हुआ उस दिन कुछ बताने आ तो रहा था पर वो आया नहीं, हम बहुत इंतजार किए उसका। वो तो तुम्हें सब बताता है ना, फिर तो ये बात भी बताई होगी कि वो तुम्हारी बहन अंकिता को पसंद करता है। क्या नहीं, वो कभी बताया नहीं हमको। और तुम काहे नहीं बताई हमको? बाइक खरीदे और तुम ही हमारी बाइक चुरा रहे हो, चलो तुम थाने चलो। अब बताते हैं सर, साहब पहले हम लोग मोटरसाइकिल बेचते हैं, बेचने के जब पैसे मिल जाते हैं तो उसको फिर चुरा लेते हैं, तो दूसरे ग्राहक को बेच देते हैं। इस तरह हम एक ही गाड़ी को ना अलग अलग कई ग्राहकों को बेच देते हैं। सर तेरे अलावा कौन कौन है इस बाइक चोरी के गैंग में, बोल। तीन लोग हैं सर, शहर में सेकेंड हैंड बाइक बेचकर खुद उसे चोरी करने वाला गैंग हाथ लगा है। इस गैंग के सरगना का पंकज मर्डर केस से कनेक्शन सामने आया है। किसका? ये सर। साहब रुकिए तो, बताइए तो इसने किया क्या है? बाइक चुराता है ये, बाइक चोरी के गैंग से जुड़ा हुआ है। बर्बाद कर दिए है, अरे पंकज के पास भेजा था ताकि तू इंसान बन सके। अरे वो दिन रात मेहनत करता था कि किसी तरह तुम्हारे पाप धुल जाए। तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह से वो फंसा। कौन सी गंदी हरकत, और पंकज किसके और कौन से पैसे चुका रहा था? कहा बताए, 2 साल पहले भी इसने एक कांड किया था। बाहर निकलो। अरे खुद बाहर निकल। अरे खुद से बाहर नहीं निकलेगी। दरवाजा खोल दो। अरे ये क्या किए तुम, तुमको शर्म नहीं लगा लड़की को छेड़ दे? बहन मुझे दिखाने लायक नहीं छोड़े हो। पूरे खानदान का मिट्टी में मिला दिया तुमने। ये लोग हमको जान से मार डालेंगे, हमको जेल में डाल डालेंगे, अम्मा हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भैया हमको बचा लो, आपके हाथ छोड़ते हम साला मार डालेंगे तुमको। पंकज पंकज देख तू बड़ा भाई है, अरे इससे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। बेटा तू इसको लेकर निकल। अरे ये है राक्षस जैसी औलाद पैदा करने वाली महारानी। इसके किए का सजा हम दोनों को भुगतना पड़ा। लड़की के परिवार ने मामला दबाने को और पुलिस में ना जाने का 5 लाख रुपया मांगा। पंकज ने कहां कहां से कर्जा लिया और उनका पैसा दिया। फिर वो यहां आ गया काम की तलाश में। तब से अब तक पाई पाई जोड़कर वो इसका कर्जा उतार रहा था, लेकिन इसको शर्म नहीं आया।
तू ही तो कुछ गलत नहीं किया ना हमारे पंकज के साथ? नहीं अम्मा, हम लाख बुरे सही, पंकज हमारा बड़ा भाई था, हम उसके साथ ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। बाइक चोरी का धंधा भी हम इसलिए कि भैया का हाथ बटा सकेंगे। चल तेरी अच्छाई थाने में चल के देखेंगे। चल साहब साहब। तुम तीनों कब से चोरी कर रहे हो? आप बस वो एक महीने से सब। पंकज को तुम्हारी इस बाइक चोरी के बारे में पता चल गया था, इसलिए तुम लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। और किशोर को इसलिए मार दिया क्योंकि शायद उसे पता चल गया था कि तुमने पंकज के साथ क्या किया। अब बताओ किशोर के साथ क्या किया तुमने? उसे भी मार दिया? और मनीष तू तो किशोर का दोस्त था ना, बच्चे को भी तू अपनी तरह बनाना चाह रहा था, अंकिता को पटाने में उसकी मदद कर रहा था। नहीं साहब, हम तो बस किशोर के मजे लेने जाते थे। वो अंकिता बहुत जोर अड़काती थी उसे। सब हम सच कह रहे हैं, हमने भैया को नहीं मारा और हम ना ये जानते कि किशोर कहाँ गया। सब हमारा गलती इतना सा है बस कि हम किशोर की माँ के साथ अफेयर किए थे। वो हमने नहीं किया था साहब, वो खुद हमारे पास आई थी। हम उन्हीं के घर में किराए से रहते थे ना, जब कोई नहीं होता था तो वो बहाना बनाकर आ जाती थी, तो हम भी थोड़ा थोड़ा। सर ये तो इस केस में नया ही एंगल जुड़ गया। सर क्या ऐसा हो सकता है कि पंकज के मर्डर और किशोर के गायब होने के पीछे मनीष और शालिनी का ही अफेयर रीजन हो? सौरभ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मनीष हमें गुमराह करना चाहता, वरना अचानक सामने से आकर खुद अपने अफेयर की बात क्यों बताता? और अगर पांडे को उनके अफेयर की बात पता चल गई थी तो वो पंकज को इतने बुरे तरीके से मारने और अपने खुद के बेटे को गायब करवाने की बजाय मनीष और शालिनी को मारता। खैर इस एंगल को भी देखते हैं। तुम एक काम करो, पांडे की बीवी शालिनी को बुलाओ, देखते हैं क्या कहती है। सर हमने सबकी बैंक डिटेल्स चेक की है, एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। पंकज ने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की है, वो भी पूरे 20,000 रुपए की। क्या? पता लगाओ क्या खरीदा उसने। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, ऐसे कुछ नहीं था, वो मनीष हमारे साथ जबरदस्ती किया था साहब। आप कह रहे हैं कि मनीष ने आपके साथ जबरदस्ती की थी, जबकि उसका कहना है कि आपने उसे उकसाया था। मनीष सब बक चुका है, किशोर को आपके और मनीष के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए आप दोनों ने मिलके उसे अपने रास्ते से हटा दिया। किशोर को कुछ मालूम नहीं था, उल्टा वो तो मनीष को पसंद करता था, उसके जैसे बनने की कोशिश करता था। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम काहे मारेंगे। कारण है आपका और मनीष का रिश्ता। प्यार और वासना में फंसकर लोग बड़े से बड़ा जुर्म कर सकते हैं, और ये मैं ऐसे ही नहीं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। सर पंकज ने ऑनलाइन कोई ज्वेलरी मंगाई है। क्या? उसकी माँ तो कह रही थी कि पंकज पाई पाई जोड़कर कर्जा उतार रहा था। शादी प्यार मोहब्बत, इसके लिए ना तो टाइम था ना ही पैसा। डिलीवरी ट्रैक की? जी सर, ऑलरेडी ट्रांजिट में है, कल सुबह तक उसके घर पे डिलीवरी हो जानी चाहिए। पंकज की माँ को इन्फॉर्म करो, जैसे ही वो पार्सल उनके घर पे आए उसे पुलिस स्टेशन लेकर आए। ये पंकज मिश्रा घर है? जी। आप कौन? मैं उसकी माँ हूँ। उनका पार्सल है, पैसे ऑनलाइन पे हो गया। ये वजह थी पंकज के साथ वो दरिंदगी करने की, उसकी आंखें निकालने की। कहां ले जा रहे आप लोग हमारी बिटिया को? इसने किया क्या है बताएंगे आप लोग? सर हमारी बिटिया पढ़ने लिखने वाली लड़की है, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुआ है। आखिर इसने किया क्या है, लेके कहां जा रहे हैं आप लोग? बिटिया सबको अंदर। अरे क्या कर रहे आप? अरे ये पंकज ने तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था। क्यों? सर हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अगले हफ्ते हमारा बर्थडे है, हमारे बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए खरीदे होंगे। वो हमको एक बार बोले भी थे कि हमारे लिए कुछ खास गिफ्ट खरीदे। इतनी सी बात पूछने के लिए आप पूरे मोहल्ले में हमारा तमाशा बना दिया। अरे इतना बात तो आप वहाँ भी पूछ सकते थे ना। अब तो आपको पता चल गया कि इसने कुछ नहीं किया, अब तो हम जा सकते हैं ना। चलो अंकिता बंद कीजिए। और
मारे हैं पंकज को। ये तीनों मिलके मर्डर किए उनका। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हम कहीं मिल नहीं सकते थे, हम कहीं बात नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम हर रोज 2 घंटे पहले ट्यूशन चले जाते थे। सबसे पहले चुपचाप घर चल। बाबा बहुत गुस्से में थे और जब हम सुने तो हम भी सुने रह गए। उसका हिम्मत कैसे हुआ हमारी बहन को हाथ लगाने का? बाबा हमको बोले कि वो पंकज से मिलना चाहते हैं। ठीक है, रोना धोना बंद कर और उसे बुला मिलने के लिए, या नहीं बाहर, यहाँ पर आएगा तो 4 लोग बात करेंगे। हम बाबा की बात सुनकर इतना खुश हो गए कि हम सोच ही नहीं पाए कि बाबा हमें क्यों बोल रहे हैं कि दीपू के फोन से पंकज को कॉल करने के लिए और काहे उन्हें रात को बुलाने के लिए बोला। हेलो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कहाँ खुशखबरी? किशोर के साथ क्या हुआ, उसे क्या पता था? साले तुम हमारे दोस्त हो क्या, हमारी बहन को छेड़ोगे? बेटा सुधर जाओ नहीं तो रगड़े जाओगे। और तुम जानते हो अंकिता के आसपास भी कोई दिखा ना हम उसे जिंदा गाड़ देंगे। खाली बोल नहीं रहे, कर भी देंगे, समझे? तो तुमने उस दिन झूठ कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि किशोर अंकिता को पसंद करता है? हाँ। और ये भी झूठ था कि जिस दिन किशोर गायब हुआ वो तुम्हारे घर पहुंचा नहीं? हाँ, क्योंकि वो आया था और पूछ रहा था हमसे कि अंकिता के आसपास अगर कोई दिखा तो हम उसे जिंदा गाड़ देंगे, बात कितनी सच है। और वो हमसे ये भी पूछ रहा था कि पंकज सर को कहीं हम ही तो गायब नहीं किए? लेकिन हम दोनों को बात करते हुए हमारी अम्मा सुन लेती है और अम्मा घबरा गई कि कहीं ये बात जाके वो पुलिस को ना बता दे। घबराहट में हम बक्से में तो उसको बंद कर दिए, उसके बाद से हमको कुछ सूझा ही नहीं रहा था। पर इतना हम समझ गए थे कि उसको जाने नहीं देना है। पंकज एक पढ़ने लिखने वाला होनहार लड़का अपनी माँ की मांग और दबाव के कारण कभी 2 मिनट सुकून के भी नहीं जी पाया। ये सही है कि घर के बड़ों को छोटों की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा और कुछ नियम बहुत जरूरी हैं जो कि पंकज की माँ समझ नहीं पाई और मनीष को पंकज पर लाद दिया। इससे अच्छा तो ये होता कि वो इतना दबाव मनीष पर बनाती जिससे वो खुद अपने जीवन की अहमियत समझता और उसे सफल बनाने की ओर ध्यान देता बजाय आवारागर्दी और जुर्म की तरफ जाने के। अगर हर फैसला इस कदर सही होता तो हालात अलग होते। जैसे पंकज ने एक थोपा हुआ फैसला लिया कि वो मनीष की ज्यादतियां सहेगा और एक नाबालिग लड़की अंकिता से संबंध बनाए। जैसे मुन्ना चौधरी ने फैसला लिया कि गैर बिरादरी का गरीब लड़का उनका दामाद कभी नहीं हो सकता। जैसे दीपू ने फैसला लिया कि वो पंकज के कत्ल में भागीदार होगा। इन सभी गलत फैसलों ने कहीं किसी मासूम की जान ली तो कहीं किसी को अपराधी बना दिया, जिसके कारण पंकज और किशोर अपने आसपास के लोगों और जान पहचान वालों की वजह से आहत हुए और मारे गए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।